हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज राहुल एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एस का होल स्क्वायर। ओके, तो वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा मेरा एंड वेयर एस इज इक्वल टू साइड होता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो काफ़ी सिंपल है। सपोज मैंने एक इनपुट ले लिया, एस इज इक्वल टू फाइव ले लिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर कर दूँ, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा मेरा 25। ये हो जाएगा हमारा स्कोर का आउटपुट। काफ़ी सिंपल था हमारा स्कोर का आउटपुट। तो अभी हम जाते हैं अपने इसके इनपुट आउटपुट एंड लॉजिक के पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम स्कोर का आउटपुट लिखते हैं कि स्कोर का हमारा आउटपुट क्या होगा। तो अगर आउटपुट की बात करें तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 25। ओके, एंड सेकंड हो जाएगा हमारा इनपुट। तो अगर हम इनपुट की तरफ जाए तो हमें केवल यहाँ पे एक ही इनपुट लेना है जो हो जाएगा हमारा साइड। ओके, यहाँ पर मैं अगर साइड इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इंट पे ले रहा हूँ और फ्लोट पर भी ले सकते हो इनपुट, तो मैं इंट इनपुट फंक्शन लगा दूंगा, यहाँ पर मेरा इनपुट आ जाएगा। एंड थर्ड पार्ट आता है हमारा लॉजिक पार्ट, इस कोड का हमारा लॉजिक क्या है। ओके, तो हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है। मैं एक वेरिएबल बना लूँगा एरिया इज इक्वल टू एंड इसमें क्या करूँगा साइड इंटू साइड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा साइड स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद क्या करूँगा प्रिंट कर दूंगा अपने एरिया को। यहाँ पे मुझे लास्ट में वैल्यू का मिल जाएगा 25। ओके, तो काफ़ी सिंपल था इसका इनपुट आउटपुट एंड लॉजिक पार्ट। ओके, तो अभी जाते हैं अपने वीएस कोड में और इसको कन्वर्ट करते हैं इसका लॉजिक इनपुट आउटपुट को कोड में। तो सबसे पहले मैं नया फाइल लेता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ मैं, एंड मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट पाइथन में। एंड फाइल का नाम देता हूँ मैं एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट डॉट पी वाई। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक इनपुट देना था, जो मेरा पहला इनपुट था साइड। मैं देता हूँ साइड इज इक्वल टू इंट इनपुट और इसके अंदर मैं मैसेज डालता हूँ इंटर अ साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, मैंने इसके अंदर एक मैसेज डाला एंड अभी मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। तो मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ओके, एंड लास्ट में मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो काफ़ी सिंपल था इस प्रोग्राम का कोड हमारा। तो हम जाते हैं इसको रन करने के लिए। मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और फाइल को रन करता हूँ। तो मैं रन करता हूँ पाइथन एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट पी वाई। तो मुझे बोला एंटर अ साइड। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया था फाइव, तो फाइव का हमारा आ गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड का आउटपुट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोड का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको इसका लॉजिक का पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।